हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र तोमर, और आज मैं आपको आपके लिए एक और नई वीडियो बनाने के लिए जा रहा हूँ। तो उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, काफ़ी अच्छी वीडियो होने वाली है। तो उसमें मैं बताऊँगा कि जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं हमारे, जो मेंस के और डीजी के जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, उनकी इंटरलॉकिंग कैसे करते हैं, यानी कि एक बार में एक होल्ड होना है, वो किस तरीके से हमें इसके कनेक्शन करने होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। पहली वीडियो में हमने बताया था जो सिलेक्टर स्विच के साथ जो हमें इनको होल्ड करना होता है, ठीक है ना, एक एक होल्ड करना और अनहोल्ड करना होता है। तो देखिए, अब हमारा एक जो डीजी का और ईबी का जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो हमें जो इंटरलॉकिंग करना है, इंटरलॉकिंग का मतलब ये होता है, अगर हमारा सिलेक्टर स्विच नहीं है, अगर हमारे पास में सिलेक्टर स्विच नहीं है, तो इनकी इंटरलॉकिंग किस तरीके से होती है, या जो ऑटो में जो साइडें रहती है हमारी, तो ये इंटरलॉकिंग के हिसाब से इनके कनेक्शन होते हैं, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टर को कोयल को सप्लाई जो जाने वाली होती है, तो वो किसके थ्रू जाती है, यानी कि जो जाती है, तो अभी मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास में दो कॉन्ट्रैक्टर हैं, स्क्रू ड्राइवर है, ठीक है, और ये चीज़ और बताने वाला हूँ मैं, ये चीज़ क्या है और ये क्या काम करती है और इसका क्या फ़ायदा है, ये भी बताने वाला हूँ मैं, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए, ये एक हमारी मैकेनिकल इंटरलॉकिंग है, एक हमारी इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग होती है। दो तरीके से हम इंटरलॉकिंग कर सकते हैं, हैं, और जो ये मैकेनिकल इंटरलॉकिंग है, ये भी दोनों कॉन्ट्रैक्टर का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है ये भी, क्योंकि ये जो इंटरलॉकिंग जो लगती है कॉन्ट्रैक्टर के बीचों में लगती है, दोनों में, अगर एक होल्ड है, अगर आप दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को भी होल्ड करोगे तो भी होल्ड नहीं होना है, और मैन वाली भी अगर उसको दबाओगे, पुश करोगे, तब भी दबने वाला नहीं है। बाय द वे, अगर हमारी इलेक्ट्रिक इंटरलॉकिंग है और एक कॉन्ट्रैक्टर होल्ड, अगर आप दबाओगे तो ये अनहोल्ड हो जाएगा और ये दब जाएगा हाथ से, और अगर मैकेनिकल इंटरलॉकिंग लगी हुई है, तब हाथ से भी पुश करोगे तो भी दबने वाला कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। तो ये इसी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। बाय द वे, अगर हमारा एक कॉन्ट्रैक्टर होल्ड है तो दूसरा होल्ड ना हो, इसी वजह से मैकेनिकल जो इंटरलॉकिंग है, इसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। देखिए किस तरीके से ये काम करती है। इसमें दो पिन है और पिन के दो स्प्रिंग इसके अंदर लगी हुई हैं, जो कि हम अगर एक को अगर हम एक दबी हुई है तो दूसरी बाहर आने वाली नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। तो दूसरी बाहर नहीं आएगी जब तक जैसे मैंने ये एक पिन आगे कर दी है, ठीक है, तो दूसरी पिन आगे आने वाली है नहीं, ठीक है। देखिए, मैं कर रहा हूँ तो दूसरी पिन आगे आने वाली है नहीं, क्योंकि जब तक पिन आगे नहीं जाएगी, जब तक दूसरी वाली पिन पीछे नहीं आ जाएगी। ये देखिए, मैकेनिकल जो इंटरलॉकिंग होती है, उसका यही काम होता है। ये देखिए, मैं कर रहा हूँ और इधर वाली जो है, मैंने ये वाली आगे की हुई है, तो इसलिए ये आगे नहीं हो रही। अब मैं उसको छोड़ दूंगा तो अब ये आगे आने वाली है, तो मैकेनिकल इंटरलॉकिंग हो गई है। तो देखिए, अब हम अपनी वीडियो चालू करते हैं और जो इलेक्ट्रिक इंटरलॉकिंग होती है, उसके भी कनेक्शन करके दिखाता हूँ। दो हमारे पास में एमसीबी है, जो कि हमारे एक डीजी की सप्लाई को, डीजी कॉन्ट्रैक्टर की सप्लाई को सप्लाई पे कनेक्ट करेंगे, और एक करेंगे डीजी वाली एमसीबी पे। एक मल्टीमीटर भी है जो भी हमारी सहायता करेगा, और मैं मल्टीमीटर के साथ में आपको समझा भी दूंगा कि इस तरीके से हमें चेक करना है, ठीक है ना दोस्तों। तो और कुछ वायर है हमारे पास में, तो देखिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, तो देखिए दोस्तों, अभी क्या है, अभी पहला जो फर्स्ट स्टेप है, मैं ये बता देता हूँ। ये जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है, ये हमारे थ्री फेज के कॉन्ट्रैक्टर हैं, जबकि हमारे एक न्यूट्रल और प्लस तीन फेज जाते हैं। अगर सिंगल फेज देना है हम, तो हम तीनों को लूपिंग दे देंगे, तो तीनों पोर्टों पर हमें सप्लाई आउटपुट में भी मिल जाएगी, यानी कि इनपुट हमारी नीचे देना है हमें, और आउटपुट हमारी ऊपर की तरफ चली जाती है, जो कि हमारे डीजी और मेंस की जो जो पावर है, वो हमारी ऊपर जाके एक हो जाती है, नीचे हमारी अलग अलग रहती है, जो कि कनेक्ट और डिसकनेक्ट करने का पावर का काम करते हैं। ज़्यादा खासकर ऑटोमेशन में काम आने वाली चीज़ है। जब हम ऑटोमेशन करते हैं साइड का, तो जब दोनों हमारे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं और जो कि इंटरलॉकिंग होती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर की जो सप्लाई है, यानी कि जो लोड वाली सप्लाई है, वो हमारे कॉन्ट्रैक्टर के अंदर आ चुकी है। कॉन्ट्रैक्टर से होकर के जो हमारे न्यूट्रल गया है, इसका ब्लू वाला न्यूट्रल लिया है मैंने, इसका ब्लैक वाला न्यूट्रल लिया, और दोनों ये फेस लिए। तो देखिए, जो न्यूट्रल जो दे दिया है मैंने, अपने बोर्ड में दे दिया है, ठीक है, बोर्ड बोर्ड की मदद से मैंने ये सप्लाई ली है। और जो दूसरे जो वायर आए, यानी कि ईबी और मेंस के, समझ लीजिए,
तो ये हमारे जो MCB पे आए हैं, जो कि हमारी जो MCB लगी हुई है, यानी कि मिनीचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है, तो वो लगा हुआ है, ठीक है। तो फिर यहाँ से आउटपुट में सप्लाई हमारे कॉन्टैक्टर पे आ गई है, ये देखिए ये MCB से होकर के सप्लाई आई हुई है, ठीक है ना दोस्तों। तो अब देखिए मैं बताता हूँ जो इलेक्ट्रिक जो इंटरलॉकिंग होती है, इंटरलॉकिंग के हिसाब से किस तरीके से हमें कनेक्शन करने होते हैं। तो देखिए मैं एक बात बता देता हूँ दोस्तों, जो हमें न्यूट्रल देना होता है वो तो न्यूट्रल जो है हमारा वो डायरेक्टली चला जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए जो हमारा जो कॉन्टैक्टर है ये, तो कॉन्टैक्टर में जो A1 और A2 जो दिख रहा है, यानी कि A2 में हमें न्यूट्रल देना है और A1 में अपना फेस देना है। फेस हमारा इंटरलॉकिंग से होकर के आएगा और A2 हम डायरेक्टली दे देंगे न्यूट्रल, जो न्यूट्रल है, ठीक है ना, जो न्यूट्रल है हमारा वो हम डायरेक्टली दे देंगे। और इंटरलॉकिंग जो कनेक्शन जो होने वो मैं आपको बता देता हूँ अभी, ठीक है ना दोस्तों। तो पहले मैं अभी न्यूट्रल कनेक्ट कर लेता हूँ, न्यूट्रल कनेक्ट करने के बाद में आपको फिर जो अपना फेस जो जाएगा, फेस हमारा NONC ब्लॉक से ही है, जो ऊपर जो ब्लॉक लगे हुए हैं दोस्तों, तो वो ये भी NONC का काम करते हैं, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज, यानी कि जब हमारा कॉन्टैक्टर अभी अनोल्ड है तो हमारा जो NC और NO, यानी कि देखिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं, NC और NO, ये देखिए जो इधर की तरफ है ये NC है, यानी कि नॉर्मली क्लोज पे हमें कनेक्टिविटी मिलने वाली है, ये NO है, ठीक है दोस्तों। तो ये नॉर्मली ओपन, ठीक है, तो इसमें मिलने वाली है। तो अभी मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से हमें चेक करना है, कहाँ से हमें क्या लेना है और किस तरीके से हमें इंटरलॉकिंग करनी है। हाँ तो देखिए दोस्तों, मैंने इनमें न्यूट्रल दे दिया है, यानी कि जो इसका ब्लू वाला था और इसका ब्लैक वाला था उसमें से मैंने न्यूट्रल उठा के A2 में दे दिया है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए ये वाला जो हमारा जो A2 में दोनों न्यूट्रल हमने लगा दिए हैं, ये देखिए इसमें ये वाला ये लगा हुआ है और इस वाले में ये लगा हुआ है, ठीक है ना दोस्तों, A2 पे लगा हुआ। तो मैंने दोनों न्यूट्रल कनेक्ट कर दिए हैं। अब रही हमें जो सप्लाई देनी है अपनी कोयल के लिए, यानी कि जो कॉन्टैक्टर की कोयल के लिए सप्लाई देनी है, अब वो किस तरीके से देनी है, तो ये बहुत बहुत मेन पॉइंट यही है समझने वाला। जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं कनेक्शन करने नहीं आएंगे, पूरी तरीके से 100% कनेक्शन करने आने हैं, ठीक है। जो अपनी साइडों पर कहीं पे भी आपको कनेक्शन करने होंगे तो इसी तरीके से करने होते हैं। तो देखिए जो भी मैं आगे भी वीडियो लाऊंगा तो उसमें लैंप भी दिखाऊंगा कि जो मेंस फेल और DG फेल का जो DG ऑन और मेंस फेल का अलार्म आता है वो इंडिकेशन कैसे जलता है, इंडिकेटर कैसे जलता है, तो वो भी लगा करके मैं आपको इसमें दिखा दूंगा, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए अब हम अब स्टार्ट करने वाले हैं इस तरीके से किस किस तरीके से हमें सप्लाई करनी है, ठीक है। तो मैं ये भी पहले एक सप्लाई पकड़ता हूँ जो कि अपने DG वाले कॉन्ट्रैक्टर से पकड़ लेता हूँ और फिर वो बता दूँ कि किस तरीके से हमारे कॉन्ट्रैक्टर की सप्लाई में आएगी। हाँ तो दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, जब हमें कनेक्शन करने हैं तो हमें ये जो कॉन्टैक्टर का NC है तो NC पकड़ना है, यानी कि नॉर्मली क्लोज या, ठीक है ना दोस्तों। तो यानी कि जब हमारा अभी कॉन्टैक्टर ऑफ है, ठीक है, अभी पावर भी नहीं आई हुई है, यानी कि अनोल्ड है, तो अगर हम इसका NC चेक करेंगे तो देखिए कनेक्टिविटी आनी है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो हमें NC पकड़ना है, दोनों कॉन्टैक्टर का NC पकड़ेंगे और NC में से ही हमें कनेक्शन देने हैं, ठीक है। तो अब मैं कनेक्शन करके दिखाता हूँ, पहला मैं पकड़ता हूँ DG वाले कॉन्टैक्टर से। हाँ तो देखिए दोस्तों, मैंने जो येलो वाला जो पेयर है जो कॉन्टैक्टरी कोयल के लिए हमें देना है, तो मैंने ये येलो वायर लगाया है, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि कौन से कॉन्टैक्टर से क्या कौन सी सप्लाई होके गई है, कौन से NONC ब्लॉक से गई है। तो यानी कि NC पकड़ना है, तो हमारा NC ये इधर वाला NC है। तो देखिए मैंने इसका ये सप्लाई ले ली है फेस की, तो हमें क्या है जो DG वाले कॉन्टैक्टर का जो सप्लाई देनी है वो मेंस के NONC ब्लॉक से होकर के जानी है, ठीक है ना, एंडो ब्लॉक भी बोल देते हैं, तो इससे होके जानी, तो इसके हमें NC में सप्लाई देनी है, ठीक है ना दोस्तों, जिससे कि हमारा अनहोल्ड रहे तो उसमें तुरंत सप्लाई चली जाए, जिससे कि हमारा DG वाला कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाए, ठीक है ना, जब ये एक दूसरे की इंटरलॉकिंग में काम कर पाएंगे, यानी कि एक बार में एक ही कॉन्टैक्टर होल्ड होगा, जब तक दूसरा कॉन्टैक्टर बाहर नहीं आ जाएगा तब तक वो दूसरा होल्ड नहीं होगा। तो मैं अभी कनेक्ट करके दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, अभी मैंने ये लगा दिया है, ठीक है ना, यानी कि जो DG कॉन्टैक्टर को अभी हम सप्लाई दे रहे हैं तो वो मेंस के NONC ब्लॉक से जानी है, ठीक है, मेंस के NONC ब्लॉक से जानी है। ये देखिए मैंने लगा दिया ये येलो वाला वायर जो है, और अभी हम DG वाले कॉन्टैक्टर को सप्लाई देंगे, तो जो इसकी जो आउटपुट है, यानी कि जो NC है ऊपर वाला, बिल्कुल ठीक है, तो इसके उससे हम A1 में सप्लाई दे देंगे। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको कनेक्शन करने वाले आने वाले हैं, और अगर आपने एक बार पूरी वीडियो देख ली है तो भूलने वाले नहीं है, तो पूरी तरीके से आपको कनेक्शन आ जाएंगे।
हाँ तो देखिए दोस्तों, जो हमारा जो येलो वाला आया है हमारे एनसी पे, तो ये एनसी से ऊपर की तरफ से, और मैंने जो कॉन्ट्रेक्टर की कोयल में यहाँ पे हमारा A1 में चला गया है, तो यानी कि जो हमारा A1 है, ये जो कॉन्ट्रेक्टर है हमारा, इसका जो A1 है उसको कंप्लीट हो गया है, और ये वाला इसका न्यूट्रल कंप्लीट हो गया, यानी कि ये वाला जो सर्किट है हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया है DG वाला, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो मेंस वाले कॉन्ट्रेक्टर का होकर के जाएंगे, यानी कि NONC ब्लॉक ये हो गया, इसी तरीके से हमें DG वाले NONC ब्लॉक से सप्लाई होकर के देनी है। तो इसकी इंटरलॉकिंग कंप्लीट हो गई है, ये केवल एक ही बार एक कॉन्ट्रेक्टर होल्ड होना है, जिससे कि अगर हम होल्ड करेंगे दूसरा वाला तो ऑटोमेटिक ही ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑटोमेटिक ही ये वाला दब जाएगा और ये वाली सप्लाई ऑन हो जाएगी। अगर दोनों सप्लाई आई हुई है, जब तक हमारा कॉन्ट्रेक्टर की एक की सप्लाई नहीं कटने वाली है तो दूसरा होल्ड होने वाला नहीं है। तो देखिए मैं आप दूसरा वाले का कनेक्शन करके दिखा देता हूँ। हाँ तो देखिए दोस्तों, जो मैंने जो अभी जो हमें ईवी वाले कॉन्ट्रैक्टर को जो सप्लाई देनी है, अभी मैंने जो ईवी वाले कॉन्ट्रैक्टर से सप्लाई ले ली है, जो कि हमारे डीजी के NONC ब्लॉक से होकर के जानी है। ये देखिए मैंने इस वाले से भी लगा दिया और इसके एनसी पे ले आया हूँ। अब एनसी आउटपुट में दे करके और जो अपना जो डीजी का जो ईवी का सॉरी ईवी का जो कॉन्ट्रैक्टर है, इसके A1 पे दे देंगे, यानी कि इसका भी कंप्लीट होने वाला है, ठीक है ना दोस्तों। हाँ तो देखिए दोस्तों, जो मेंस वाला जो कॉन्ट्रैक्टर है, इसके भी हमारे कनेक्शन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने उठा के, मैंने बताया था आपको सप्लाई एनसी पर लेकर के आए हैं, एनसी से उठा करके यहाँ पे हमने इसका जो मेंस वाला जो कॉन्ट्रैक्टर है, इसका A1 पे हमने इसको दे दिया है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, जो DG के कॉन्ट्रैक्टर की कोयल का कनेक्शन करने हैं हमें, वो सीधे इसके EB के NONC ब्लॉक से होकर के जाना है, ठीक है, NC से होकर जाना है, और जो अगर EB वाले कॉन्ट्रैक्टर कनेक्शन करने हैं तो हमारा ये DG वाले कॉन्ट्रैक्टर के NC से होकर के जाना है। तो देखिए अभी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, इंटरलॉकिंग हमारी कंप्लीट हो गई होगी, और मैं ये भी समझ पा रहा हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ भी गया होगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरीके से इसलिए समझाना चाहता हूँ कि किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो दोस्तों। तो देखिए अभी हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं, सप्लाई को ऑन करने वाले हैं, और देखते हैं कि कौन से कॉन्ट्रैक्टर का क्या है, ठीक है। तो देखिए जो दोनों MCB लगी हुई है, दोनों MCB का जो जो इधर वाली है, यानी कि जो राइट वाली है, ये वाली है हमारे ईबी की कॉन्ट्रैक्टर की सप्लाई है, और जो लेफ्ट वाली है ये हमारे जो डीजी के कॉन्ट्रैक्टर की सप्लाई है। तो देखिए अभी मैं सप्लाई ऑन करता हूँ अपने बॉक्स में से, सप्लाई दोनों ऑन हो गई हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपना जो है डीजी की सप्लाई ऑन करते हैं, यानी कि जो पहली वाली जो MCB हमारी, इसको ऑन करते हैं और देखते हैं हमारा कॉन्ट्रैक्टर होल्ड होता है नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, ये हमने एक हमने डीजी वाले कॉन्ट्रैक्टर की MCB ऑन कर दी है, देखिए ये वाली एक MCB ऑन कर दी है, तो हमारा डीजी वाला कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हो गया है, यानी कि सप्लाई आउटपुट में निकल गई है। तो देखिए अगर हम इसको बंद करेंगे तो ये वाली सप्लाई ऑन होने वाली है हमारी, जो EB वाले कॉन्ट्रैक्टर है। तो देखिए EB वाले कॉन्ट्रैक्टर की सप्लाई ऑन हो गई है। अगर अब क्या करना है, अभी हमें जैसे हमारा जनरेटर चल रहा है और हमारी लाइट आ गई है, ठीक है, तो लाइट हमारी आ गई है, यानी कि पहले हम जनरेटर का कॉन्ट्रैक्टर होल्ड करते हैं, तो जनरेटर का हमारा कॉन्ट्रैक्टर होल्ड है। तो देखिए जैसे अभी हमारा जनरेटर चल रहा है और प्लस हमारी लाइट आ जाती है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कैसी भी कोई परेशानी नहीं है, और मैं आपको मल्टीमीटर से भी चेक करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए तो दोनों हमारे कॉन्ट्रैक्टर पर आ रही है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर हमारा एक होल्ड है। ये देखिए दोस्तों, जो हमने एक कॉन्ट्रैक्टर पर सप्लाई लगाई हुई है और दूसरे पे देखना, इस पे भी हमारी सप्लाई आ चुकी है, लेकिन जो मैंने बताया था आपको, जब तक ये कॉन्ट्रैक्टर होल्ड नहीं होगा डीजी वाला, तब तक ये होल्ड नहीं होगी, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैं अभी डीजी वाले कॉन्ट्रैक्टर की MCB गिराता हूँ, तुरंत वो होल्ड होने वाला है। देखिए ये बाहर निकला है और ये वाला होल्ड हो गया है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से अगर हम जनरेटर चलाएंगे, जब तक हमारी EB नहीं जाएगी तब तक हमारा ये वाला कॉन्ट्रैक्टर होल्ड नहीं होगा। तो देखिए ये वाला मैंने गिरा दिया तो डीजी वाला हो गया। तो देखिए इलेक्ट्रिक इंटरलॉकिंग आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए अभी मैं बताता हूँ मैकेनिकल जो इंटरलॉकिंग होती है, मैकेनिकल इंटरलॉकिंग की मैंने आपको बताया है, जो मैकेनिकल इंटरलॉकिंग होती है वो हमारे कॉन्ट्रैक्टर के बीच में लगी होती है। तो बीच में किस तरीके से लगी होती है तो मैं बताता हूँ, जो दोनों पीने जो हैं ये दोनों कॉन्ट्रैक्टर के अंदर जाएंगी, और अगर हम एक होल्ड करेंगे तो एक दूसरा वाला अगर पुश भी करेंगे अगर अपने हाथ से तो तब भी नहीं होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी इंटरलॉकिंग लगने वाली है वो यहाँ पे लगने वाली है। तो देखिए इस तरीके से हमारी इंटरलॉकिंग लगने वाली है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए इसमें कोई जो इसमें
ये इस तरीके से हमारी इंटरलॉकिंग लग जाएगी, यानी कि जो ये वाला जो ब्लॉक जो दिया हुआ है इसमें हमारे ये पिन फंस जाती है जाके, ऐसी हमारे दूसरे कॉन्टेक्टर में फंस जाएगी ये वाली जा करके। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी जो जो इंटरलॉकिंग है या मैकेनिकल इंटरलॉकिंग, ये बीच में हमारी लग चुकी है, यानी कि दोनों पिनें कॉन्टेक्टर में फंस गई हैं, ये इस तरीके से ये हमारी लगी रहती है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए अगर हम क्या करना है, अगर हम तो देखिए दोस्तों, अगर हम ये वाली हमारी इंटरलॉकिंग लगी हुई है, तो इंटरलॉकिंग जैसे लगी रहेगी, तो अगर हम एक कॉन्टेक्टर हमारा होल्ड है और हम दूसरे की होल्ड करने की कोशिश करेंगे, तो ये हमारा होल्ड नहीं होने वाला है। ये देखिए, ये दूसरा वाला होल्ड नहीं होने वाला है जब तक हमारा ये वाला बाहर नहीं निकलेगा। तो मैकेनिकल जो इंटरलॉकिंग होती है इसी तरीके से काम करती है। तो सिस्टम की सेफ्टी रखने के लिए मैकेनिकल इंटरलॉकिंग और इलेक्ट्रिक इंटरलॉकिंग होनी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरी हर वीडियो आने वाली जो वीडियो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आप पर आ सके, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए, ओके फ्रेंड्स।